अस्पताल, जिसे अंग्रेजी में हम हॉस्पिटल भी कहते हैं। जब कभी हम बीमार होते हैं तब हम डॉक्टर की सलाह लेते हैं। डॉक्टर हमें दवाइयाँ देता है, कभी इंजेक्शन भी लगवाता है और हम ठीक हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर की सलाह से हमारी बीमारी ठीक नहीं होती और हमें हमारी गंभीर स्वास्थ्य समस्या के कारण बड़े अस्पताल में जाना पड़ता है। बड़े अस्पताल में कई तरह के डॉक्टर और विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होती है। डॉक्टर की मदद करने के लिए वहां कई अन्य डॉक्टर भी होते हैं और साथ में नर्स तथा कंपाउंडर भी होते हैं। कभी कभी हमें गंभीर स्वास्थ्य समस्या के कारण अस्पताल में एडमिट भी किया जाता है। आज के पाठ में हम अस्पताल की जानकारी प्राप्त करेंगे। जिन मरीजों की हालत गंभीर होती है उन्हें अस्पताल में आईसीयू में रखा जाता है, जिसका पूर्ण अर्थ है इंटेंसिव केयर यूनिट। और जो मरीज सामान्य होते हैं उन्हें जनरल वार्ड में रखा जाता है। मरीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए अस्पताल में व्हीलचेयर और स्ट्रेचर का उपयोग किया जाता है। मरीजों के मिलने का समय अस्पताल में निश्चित होता है, जैसे सुबह 8 से 10 बजे तक और शाम 4 से 7 बजे तक। अस्पताल में रिसेप्शन अर्थात स्वागत कक्ष भी होता है, जहां पर हम अस्पताल में आए हुए और अस्पताल में जिन्हें भर्ती किया हुआ है ऐसे सभी मरीजों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा किसी डॉक्टर से मिलने का समय ले सकते हैं। इसके अलावा अस्पताल में ऑपरेशन कक्ष भी होता है, जहां मरीजों का ऑपरेशन किया जाता है। यह कक्ष ऑपरेशन की सभी सामग्री से सज्जित होता है। इसी प्रकार अस्पताल में और कई अन्य कक्ष भी होते हैं, जैसे प्रयोगशाला। प्रयोगशाला में हमारे खून की जांच की जाती है और बीमारी के कारणों का पता लगाया जाता है। एक्सरे कक्ष में मरीजों का एक्सरे किया जाता है। साथ ही साथ अस्पताल में सीटी स्कैन, सोनोग्राफी जैसे कक्ष भी होते हैं, जिसमें हमारे शरीर की अंदरूनी जानकारी प्राप्त की जाती है और बीमारी का पता लगाया जाता है। अस्पताल जाते समय हमें कुछ बातों का अवश्य ध्यान देना चाहिए। यह बातें हैं कि अस्पताल में जब हम किसी मरीज से मिलने जाते हैं तो हमें शांति बनाए रखनी चाहिए, मरीज से हमें कम बोलना चाहिए, स्वच्छता की ओर हमें ध्यान देना चाहिए, कचरा कूड़ा करकट हमें कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। इसी प्रकार कई अन्य सूचनाएं अस्पताल में लिखी होती है, इन सूचनाओं का हमें अवश्य पालन करना चाहिए।